जनता पार्टी के लिए, विशेष तौर से मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के लिए खुशियों का दिन होगा, विकास की शुरुआत का दिन होगा, कमल के फूल का दिन होगा और यह तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगी और हम लोगों को कल की मतगणना का इंतजार है। आशा और विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में, हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी की कुशल रणनीति के अंतर्गत और हमारे वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, जिनका आज जन्मदिन है, मैं उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए कि उनके अध्यक्षीय काल में यह तीनों राज्य भारतीय जनता पार्टी की झोली में होंगे, जिसमें मध्य प्रदेश हमारे पास था, हमारे पास रहेगा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ हम कांग्रेस से छीनेंगे, तेलंगाना और मिजोरम में भारतीय जनता पार्टी जोरदार प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस का कहना यह है कर्नाटक की तरह के परिणाम होंगे, चाहे कुछ भी कहें लेकिन जीत हमारी निश्चित है। नहीं, न घोड़ा दूर न मैदान दूर, अब से कुछ घंटे बाद वोटों की गिनती होगी, कांग्रेस कितने पानी में है उसे पता चल जाएगा। देश माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूती से आगे बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ही श्रेष्ठतम विचारधारा है, यह देश के समर्थन से संदेश भी लगातार देने का काम हुआ है। इसलिए कांग्रेस को मुंगेरीलाल के हसीन सपने कल तक देखते रहने चाहिए, जब रिजल्ट आएगा तो कहेंगे कि ईवीएम गड़बड़ हो गई। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाना न भूलें।